तो देखिए, इस वक्त दुनिया में हथियार और उसकी नुमाइश की रेस लगी है। कौन कितना ताकतवर है, किसके पास ज्यादा दूरी तक मार करने की ताकत है, इसका परीक्षण करते रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अगर रूस और अमेरिका में जंग हुई तो कौन जीतेगा, और परमाणु बम के प्रकोप से इस दुनिया का क्या होगा? क्योंकि जब युद्ध होते हैं तबाही लाते हैं और दुनिया को बहुत पीछे ले जाते हैं। इस वक्त दुनिया के 10 देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं जो धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है, रूस कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है, और अब जिस तरह से रूस ने अपने घातक हथियार की नुमाइश शुरू की है, उससे दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के ही पास है। लेकिन क्या होगा जब परमाणु हमला होगा? आधे घंटे में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी, दुनिया हजारों साल पीछे चली जाएगी, आसमान पर इतना धुआं होगा कि दुनिया के 10% हिस्से तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी, कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज तबाह हो जाएगी। दुनिया परमाणु बम की ताकत दूसरे विश्व युद्ध में देख चुकी। अमेरिका ने जब नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला किया, ये धमाका इतना बड़ा था कि आसमान में धुएं का गुबार छा गया, जिंदगी का नामो निशान बन गया था। लेकिन अब के परमाणु बम पुराने परमाणु बमों से ज्यादा घातक, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ताकतवर हैं। दरअसल इस वक्त दुनिया में परमाणु हथियार की रेस लगी है, जिसमें रूस के पास 5,889, अमेरिका के पास 5,244, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 172, भारत के पास 164 और इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यहाँ बात रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है, क्योंकि रूस अगर यूक्रेन को अपनी परमाणु ताकत दिखाएगा तो अमेरिका बीच में आएगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई किस कदर आगे बढ़ रही है, इसे तस्वीरों से समझ सकते हैं, जो जमीन और समुद्र से होते हुए अब आसमान तक पहुंच गई है। खारकीव संघर्ष का नया केंद्र बन गया है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर खारकीव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन से हमला किया। लेकिन रूस ने यूक्रेन के 20 में से 14 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, जबकि बाकी बचे 6 को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जाम कर दिया। वायरल वीडियो में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले एक पुल के ऊपर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर यूक्रेनी सेना के दक्षिणी ऑपरेशन कमांड के प्रवक्ता ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि क्रीमिया में बमबारी का दौर उसकी आजादी तक जारी रहेगा। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला ये पुल मॉस्को के लिए बहुत अहम है, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। लेकिन हाल के दिनों में मॉस्को और क्रीमिया दोनों पर ड्रोन हमले बढ़े हैं। हालांकि 17 महीनों की जंग के बाद भी रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है, उसकी टीस पुतिन के दिल में है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सनक इस जंग को परमाणु युद्ध में भी तब्दील कर सकती है, जिसका अलार्म रूस के ODAB-500 बम के परीक्षण ने बजा दिया है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।